तो आए कैसे, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। हालांकि पंचायत गेटवे प्रोग्राम को लेकर के आज की वीडियो में कुछ अपडेट है। यहाँ पे फर्स्ट थिंग हम जानेंगे कि पंचायत गेटवे से नहीं भुगतान करते हैं तो क्या होगा। दूसरी बात हम जानेंगे, अगर आपने पंचायत गेटवे सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद आपका सिस्टम बिगड़ जाता है तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना होगा। प्रोसेस काफ़ी लंबा है, वीडियो में आगे ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों तीसरी बात हम करने वाले हैं यहाँ पर कि अगर जो भुगतान होते हैं उसकी लायबिलिटी कौन लेगा। मान लीजिए पंचायत भवन से पंचायत गेटवे से भुगतान होता है, कौन लेगा, पंचायत सहायक लेगा, और ऐसे काफ़ी क्वेश्चन है, कमेंट भी काफ़ी है। तो ऐसे में आज हम इन्हीं तीन बातों पर डिस्कसिंग करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने के बाद आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट थिंग हमारा जो यहाँ पे पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट पे बात करेंगे तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पेपर की कटिंग भी जारी हुई है। प्रतापगढ़ जिले की बात है यहाँ पे। इस तरह से कई जगहों पे लेटर जारी हो चुका है और दंडात्मक कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। तो ऐसे में पंचायत गेटवे सिस्टम से ही भुगतान करना है, नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ लेटर जारी होगा और कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। तो ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि अगर हमारा सिस्टम ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे। तो अगर आपका सिस्टम ख़राब हुआ, पहली चीज़ जान ले सिस्टम में क्या ख़राब होगा। सिस्टम में अगर आपका विंडो करप्ट होता है, विंडो करप्ट होता है तो विंडो को फॉर्मेट करते ही नहीं करना, आपको विंडो को रिकवर करना है। क्योंकि जब आप फॉर्मेट करेंगे तो आपकी जो मशीन आईडी होगी वो चेंज होती है, और जब भी आप अपने एलजीडी कोड को डॉस प्रॉम्प्ट पे सेव करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपकी मशीन आईडी वहाँ पे मैप हो जाती है। और जब दोबारा अपनी एलजीडी कोड के साथ में आप दूसरे ग्राम पर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, उस ग्राम पंचायत में बोलेगा कि योर लॉगिन आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन अनदर मशीन, वो बताएगा किसी और मशीन पर आपकी लॉगिन आईडी रजिस्टर्ड हो चुकी है। ऐसे में फिर क्या करना होगा, आप अपने डीपीएम को लेटर भेजेंगे, उस लेटर के बाद डीपीएम क्या करेगा, सी3 को लेटर भेजेगा, C3 आपके पासवर्ड को रीसेट करेगी, उसके बाद फिर से आप जो है पासवर्ड यहाँ पे अपने आईडी को जनरेट करेंगे, तब जाके नए सिस्टम पे भुगतान हो पाएगा। ऐसे में आपका लगभग 7 दिन का प्रोसेस जा सकता है, व्यर्थ हो सकता है। इसलिए अपने सिस्टम को ख़राब होने से बचाएं, अपना विंडो करप्ट होने से बचाएं। मैंने अधिकांश लोगों को देखा है कि सिस्टम बार बार बंद हो जाने से विंडोज़ करप्ट हो जा रहे हैं और वहाँ पर भुगतान करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो तीसरी बात करें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर काफ़ी लोग डर भी रहे हैं कि जो भुगतान कर रहे हैं उसकी लायबिलिटी किसकी होगी। तो जाहिर सी बात है जो भुगतान कर रहा है लायबिलिटी उसकी होगी, लेकिन सरकार आपसे नहीं पूछने वाली, आपकी ग्राम पंचायत आपसे पूछेगी आपने भुगतान जो किया था वो भुगतान कहाँ गया, सही नंबर पे गया, गलत नंबर पे गया। लेकिन अगली बार बताएं, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ एक हस्ताक्षर के लिए लिखा होता है कि यहाँ पर जो भी आपका ग्राम प्रधान है पूर्ण रूपेण वो जिम्मेदार होता है, क्योंकि वहाँ पर साफ साफ उसने इस घोषणा पत्र को इनेबल किया हुआ है, जो भी घोषणा लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि प्रधान ने यहाँ पे जो भी घोषणा लिखा हुआ है इस पर प्रॉपर क्लिक किया हुआ है और सबमिट किया हुआ है। तो ऐसे में आप एकदम से मत डरिए, आप अगर भुगतान कर रहे हैं तो सही खाते में भुगतान करिए, बाकी सरकारी जिम्मेदारी जो होगी वो ग्राम पंचायत की होगी, आपकी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसे में ध्यान रखें, अगर आपका सिस्टम नया है पुराना है जो भी है वो करप्ट ना होने पाए। दूसरी चीज़, पंचायत गेटवे के अलावा किसी और सिस्टम से FTO बनाने का प्रयास ना करें आप। FTO आपने बना दिया है तो फिर पंचायत गेटवे प्रोग्राम पे मैप जरूर करेगा, नहीं मैप करेंगे तो वो मिसमैच बताएगा और बताएगा कि नहीं हुआ है। हालांकि ऐसे में सर्वर भी काफ़ी स्लो चल रहा है, और कई बार क्या होता है कि आप ईग्राम स्वराज से पोर्टल पे बना देते हैं और वहाँ पे जाके आप मैप नहीं कर पाते, तो ऐसी स्थिति में समस्याएं हैं। लेकिन इस समस्या का अभी तक कोई सलूशन नहीं है कि आपने मेकर पे डेबू क्लोज कर दिया, बाउचर बन गए, लेकिन आपने अपने FTO में वहाँ पे मेंशन नहीं किया। तो ऐसे में एक छोटा सलूशन ये है कि आप क्या करिए, FTO बन गया, मैप नहीं हो रहा है, सर्वर स्लो है, तो आप उस FTO को डोंगल ना लगाओ, वहीं पर ब्रेक कर दो। सेकेंड डे जैसे ही डोंगल लगाओ तो फिर वहाँ पर आप उसे मैप कर दो, जिससे ये होगा कि FTO तो बना है लेकिन हमने डिजिटल सिग्नेचर वहाँ से नहीं किया हुआ है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आएगा, वीडियो पसंद है लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में, जय हिंद, बाय दोस्तों।